नमस्कार, मैं मोहम्मद इजाज, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव। अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ एवं गणेश वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि अपने संबोधन में लड़कियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही हॉस्टल की व्यवस्था को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए अतिथि। अभिभावकों, शिक्षा जगत के जुड़े लोगों, सभी शिक्षकों का कार्यक्रम को सफल बनाने एवं शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। न्यूज़ नेटवर्क संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे हॉस्टल का 13वां वार्षिक उत्सव समारोह। बच्चे घर से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं और इस हॉस्टल में प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चे अपनी प्रतिभा को सामने लाते हैं और यहाँ जो लड़कियाँ रहती हैं, चूँकि वो घर से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते करते कभी कभी तनाव भी आ जाता है, तो इस टाइप का आयोजन होता है। बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि बच्चे ही उत्साहित हैं और बच्चे के उत्साह से मैं भी उत्साहित होती हूँ। आज वार्षिक समारोह जो हो रहा है उसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त जी हाँ, कुछ बच्चे हमारे स्वागत गान गा रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे कथकली नृत्य कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे फिल्मी सॉन्ग के लिए, पुराने गाने के लिए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, कुछ बच्चे नाटक वगैरह भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लड़कियाँ आप बहुत बोल्ड हो गई हैं, हर एक स्तर पर बढ़ चढ़ के बच्चे। मेरा तो मानना है